हेलो बेटा, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ। ये आई होप कि चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माधारिता। इसके पहले हम लोग विशिष्ट ऊष्मा को पढ़ चुके थे। गैस के लिए स्थिर दाब पे विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या यूनिट है, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज ऊष्माधारिता को पढ़ते हैं। सबसे पहले समझो ये हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर क्या है। एक छोटा सा अंतर है, जो हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा रहती थी वो 1 ग्राम पदार्थ के लिए होता था बेटा, वो 1 ग्राम पदार्थ के लिए होता था। कहने का मतलब 1 ग्राम पदार्थ लोगे, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या थी, विशिष्ट ऊष्मा थी। लेकिन ये ऊष्माधारिता क्या होती है, एक छोटा सा अंतर है कि भाई जितना भी पदार्थ आपको दे दिया गया, 1 किलो, 4 किलो, 10 किलो, उस पूरे पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलेंगे हम लोग, उस पदार्थ के लिए ऊष्माधारिता। ठीक है, कहने का मतलब अगर लोहा आपको दे दिया गया और पूछा गया कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो आप लोग 1 ग्राम के हिसाब से निकालोगे। मतलब आपको पूरे मटेरियल से मतलब नहीं है जितना दिया गया है, आप केवल 1 ग्राम का टेस्ट करोगे कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसे विशिष्ट ऊष्मा बोल दोगे। लेकिन उसी पदार्थ के लिए अगर 1.5 किलो पदार्थ दिया गया, 1.5 किलो लोहा, उसके लिए ऊष्माधारिता पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करोगे, पूरे पदार्थ को देखोगे, अब पूरे पदार्थ को मेजर करोगे कि इसका तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, कितने जूल या कैलोरी, जिसमें भी आप मेजर करो, कितना कितना ऊष्मा वो ले रहा है, उसे क्या बोलोगे बेटा, उसके लिए ऊष्माधारिता बोलोगे। ठीक, तो वस्तु की ऊष्माधारिता इज इक्वल टू होता है एम इंटू सी। एम क्या है बेटा, एम उस वस्तु का द्रव्यमान है, सी क्या है ऊष्माधारिता, सी क्या है टेम्परेचर है बेटा। ठीक है, देखो इसको समझो, इसका मात्रक क्या आ जाएगा बेटा ऊष्माधारिता का, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। मतलब तापमान का मात्रक भी डिफरेंट डिफरेंट है ना, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। उसी तरीके से बेसिकली हम लोग डिफाइन मैंने बताया कैसे करोगे, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे सी जो देख रहे हो बेटा, ये विशिष्ट ऊष्मा है। क्या बेटा, विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है बेटा। तो ऊष्माधारिता इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान में जब विशिष्ट ऊष्मा से गुणा कर दोगे तो वही उस वस्तु के लिए ऊष्माधारिता आ जाती है। मात्रक क्या है ध्यान रखना, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री केल्विन। अब कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति, ये सब जो लोग थे ना, ये लोग साइंटिस्ट हैं। कैलोरीमिति क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चीज़ देखा, एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो डिफरेंट टेम्परेचर पे वस्तु थे उसको क्या किया, कॉन्टैक्ट में लगाया। जब कॉन्टैक्ट में लगाया तो उन्होंने देखा कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, जो ज़्यादा गर्म वस्तु है उसका तापमान घट रहा है, जो कम तापमान पे वस्तु है उसका तापमान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। कब तक हुआ ऐसा, यह प्रक्रिया तब तक चली जब तक दोनों का तापमान क्या नहीं हो गया, इक्वल नहीं हो गया। ठीक, अब इन्होंने इस प्रोसेस को मेजर करने के लिए उनमें क्या एक एक मीटर लगा दिया, कैलोरी मीटर। अब कैलोरी मीटर क्या करता है बेटा, कैलोरी मीटर यह मीटर करता है कि कितनी ऊष्मा ली गई या दी गई। तो भाई तापमान घट रहा है, ज़्यादा तापमान है, तापमान घट रहा है मतलब ऊष्मा दी जा रही है, किसी कम तापमान वाले वस्तु का तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब उस वस्तु द्वारा ऊष्मा ली जा रही है। तो मीटर लगाने पे ये पता चल गया कि कितनी ऊष्मा दी गई, कितनी ऊष्मा ली गई। तो उन्होंने देखा तो ये पता चला कि जो ऊष्मा दी गई वो ली गई ऊष्मा के बराबर आ रही है। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत यही है कि दो विभिन्न तापमान पर अगर वस्तुएँ रखी हो, उनको अगर संपर्क में लाते हैं तो उनके तापमान का जो अंतर है धीरे धीरे कम होने लगता है, ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की तरफ होने लगती है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। और इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। तो यही एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है बेटा। ये चीज़ कैलोरीमिति का बेटा क्या है, सिद्धांत है। इजी वे में बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछो, कोई चीज़ नहीं आ रही है वो वीकनेस नहीं है। अगर हमको नहीं आ रहा है इसका मतलब दिमाग हमारा बहुत फास्ट चल रहा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसीलिए नहीं आ रहा है, और आ रहा है इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या आ रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि हम दिमाग ही ना लगा रहे हो, तब तो सब कुछ आता है, हाँ हाँ आ रहा है। ये आप लोग समझ सकते हो मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है,
स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलो ये तो डेफिनेशन हो गया, समझते हैं गुप्त ऊष्मा क्या है। देखो बेटा, मान लो हमारे पास पानी दिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी दिया हुआ है, दिया है ना बेटा, पानी दिया है, इसको गर्म कर रहा हूँ तो 20 से 30, 40, 50, 60, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे पानी उबलेगा तो उस उबलते हुए पानी को देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी भाप में बदलता है। और सबसे मजे की बात, जो पानी उबल रहा है और जो भाप में कन्वर्जन हो रहा है, भाप का भी तापमान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और उस पानी का भी तापमान कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड बॉइलिंग वाटर। तो देखो, भाप और उबलते हुए पानी में अंतर केवल इतना है कि जो उबलता हुआ पानी है, जब उसको थोड़ी सी ऊष्मा मिल जाती है और तो उस ऊष्मा को वो उबलता हुआ पानी अपने अवस्था को परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल में लाता है, तापमान नहीं बढ़ाता है। अब तापमान नहीं बढ़ाता है इसका मतलब कि जो पानी है उबलता हुआ उसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा और जो भाप है उसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन उबलता हुआ पानी थोड़ा सा हीट एनर्जी लेके, ऊष्मा लेके अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, उबलते हुए पानी से वो भाप में बदल जाता है। तो इसी ऊष्मा को जो वो ले रहा है अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए, ना कि अपने तापमान को बढ़ाने के लिए, उसी ऊष्मा को हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस केस में उबलता हुआ पानी जितनी ऊष्मा ले रहा है अपना तापमान न बदलते हुए अवस्था को बदलने में, वो उसके लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। मान लो पानी है, पानी को हम फ्रिज में रख दिए, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते करते मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा हो रहा धीरे धीरे, तो तापमान 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0 तो आएगा ही आएगा। देखो बेटा, उस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगता है आपको, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है वो पानी क्या हो जाएगा, क्या बर्फ में बदल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होता है, मतलब वो वाटर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा लेकिन वो वाटर रहेगा। ठीक, उसको थोड़ी सी ऊष्मा उसमें से निकाल लोगे, पानी से थोड़ी और ऊष्मा निकालोगे तो क्या होगा, तो उसका तापमान नहीं बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन वो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, बर्फ में। फिर से देखो, फ्रिज में पानी रखा, पानी का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है, एक ऐसी अवस्था आएगी जिस पे 0 डिग्री सेल्सियस का पानी आपको मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी मिलेगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उससे थोड़ी सी और ऊष्मा ले लोगे तो अब क्या होगा, थोड़ी सी ऊष्मा ले ली इसका मतलब ये नहीं कि उसका तापमान बदल जाएगा, तापमान नहीं बदलने वाला, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने देखा कि एक क्षण हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, दूसरे ही क्षण 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ मिल गया, तो भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा उसमें से हीट लिया गया होगा, निकाला गया होगा, जिससे क्या हो रहा है, उसका तापमान नहीं बदल रहा है लेकिन उसकी अवस्था बदल जा रही है। मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में बदल जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, उसी का बोलेंगे, उसी को गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। दूसरे कंडीशन में देख लो, एक और एग्जांपल इसको रिवर्स केस में देख लो, हमारे पास बर्फ़ लिया मैंने, तो बर्फ़ का तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है, उस बर्फ़ को जब मेल्ट करूँगा तो पहले क्या होगा, जो मेल्ट होगा ना वैसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट 5 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ जब पिघलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। अब देखो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान स्थिर है लेकिन अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वही उस पदार्थ के लिए क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा, गुप्त छिपी हुई ऊष्मा। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि तापमान तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, केवल अवस्था परिवर्तित हो जा रही है, ठोस है तो ठोस से द्रव में आ जा रहा है, द्रव है तो द्रव से गैस में आ जा रहा है, तापमान नहीं बदल रहा है बस अवस्था बदल दे रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए हमारे पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, Q इक्वल टू m इनटू l, m क्या है, द्रव्यमान है, l क्या है, गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा है, l क्या है, गुप्त ऊष्मा है, ठीक। तो इसमें सिंपल सी बात है, एकांक द्रव्यमान का ताप एक डिग्री से एकांक द्रव्यमान की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी का बोलते हैं गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और ये सारी प्रक्रिया किस पे होगी, स्थिर ताप पे, एक डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा, एक डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, स्थिर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे बेटा।
समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना, क्यू इक्वल टू एम एल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेटा है, अब नेक्स्ट टॉपिक को आने वाले लेक्चर में पढ़ते हैं बेटा। अभी के लिए धन्यवाद, सेफ रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें इसको अपॉर्चुनिटी की तरह तरीके से यूज करना, लापरवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।